जिस तरह रामायण महाभारत धारावाहिक बना करके लोग दिखा रहे हैं, तमाम एंकर तमाम उसको संस्कृति मिलती है और टैक्स फ्री करके दिखा रहे हैं, जिस तरह केरला की बात आता है, उसी तरह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा जो संविधान लिखा गया है उसको उसका सीरियल बना क्यों नहीं दिखा। गड़बड़ होने की वजह से, चाहे वो सपा का हो चाहे बसपा का हो या किसी दल का, हम देख रहे हैं आपसी लड़ाई को लेकर के, जैसे सपा ने कहीं कहीं सिंबल नहीं दिया है और कहीं सिंबल दिया है तो उनके खिलाफ फिर दूसरा भी बूट जो है, हाँ तो ये टनाटन बदलते हैं खटाखट, उसी में मामला बिगड़ गया है। सपा का पोलिंग परसेंटेज, बसपा का भी पोलिंग परसेंटेज वही है और बीजेपी में भी वही बात है। ऐसा नहीं कि बीजेपी अपनी अछूती है, बीजेपी में भी प्रत्याशियों को लेकर के बहुत उठा पटक है। अच्छा, अखिलेश यादव जिस तरीके से जनसभाएं कर रहे हैं, वो चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, कर्नाटक की बात करी जाए, तमाम जगहों पर वो पहुंचे हैं, तो लग रहा है कि साइकिल चलेगी। कर्नाटक में तो चुनाव हो रहा था, चुनाव नहीं लड़े, चलेगी कहाँ से? जो रिजल्ट आ रहा है तो जो वो क्या कहते हैं समीक्षा जो आ रही है तमाम चैनलों की, एग्जिट पोल जिसको कहते हैं, तो उसमें तो लगभग सभी लोगों ने 95% तो यही लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और बीजेपी और एक और पार्टी दोनों मिलकर के 100 सीट के नीचे ही रह रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव ने कल एक ट्वीट किया, जिस तरीके से अमेठी में विधायक ने मारपीट करी, सपा विधायक ने बीजेपी के उसके साथ, उन्होंने कहा कि जो है अपराध बढ़ता जा रहा है, कानून व्यवस्था जो है वो ध्वस्त हो चुकी है, अखिलेश यादव ने बोला। नहीं, अब अखिलेश जी के विचार से बात उनके दिमाग से हो सकता है, लेकिन ये मैं कहूँगा कि जो नाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आ रहा है तहाँ पुलिस वहाँ कानूनी कार्रवाई करने से बचा गया, जिसका जीता जागता उदाहरण अमेठी में है। जब विधायक 4 दिन 5 दिन से कंप्लेन कर रहा है कि ये घटनाएं हो रही हैं, ऐसी बातें हो रही हैं, तो वो घटना इस नाते उस कार्रवाई नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो बीजेपी का नेता था, तो बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने से प्रशासन के हाथ पांव खुल गए। उसी का नतीजा रहा कि कोतवाली में दोनों पक्ष भिड़ा हुआ है और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, खाली छुड़ा रही है, नहीं मारना करो मारना करो। तो एक तो ये इस बात में दम है कि बीजेपी का नाम आ जाए कि हम बीजेपी के नेता हैं, कुछ चाहे कुछ करें उनके खिलाफ कार्रवाई करने में उस थाने पर उस जिले में लोग बैठ हो रहे हैं, नहीं कार्रवाई करें। अच्छा, बीजेपी जिस तरीके से दावे कर रही है, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करी जाए, 13 दिनों में 50 से ज़्यादा जनसभाएं, सभी मंत्री जो हैं वो अपने 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 कह सकते हैं जहां उनका प्रभारी उनको बनाया गया है लगे हुए हैं, तो ये तो कह रहे हैं कि हम 40 सीटों पर कमल खिलाने जा रहे हैं। नहीं, देखिए एक बात है कि नेता लोग झूठ बोलते हैं, सारी सीटों संभव तो नहीं है। अब जैसे अब सारी सीटों की बात आ गई, हम खुद गवाह हैं, दूसरे को छोड़ दीजिए, मदनपुरा, रामपुर कारखाना, रतसड़, चितवड़ा, होसी, कोपा, आपके ये का नाम से ये मधुबन, मार्टिनगंज जैसी सीटें हम खुद जीत रहे हैं। आप सारी सीटों कैसे जीत रहे हैं? आपने सारी सीटों का जिक्र नहीं किया, आपने कुछ सीटों का जिक्र किया। हम सब नहीं जीत रहे हैं, देखिए हम यही गलत है, हम झूठ नहीं बोलते, हम कहें कि हम भाजपा की तरह सारी सीटें जीत रहे हैं, ऐसा नहीं। हम जहाँ सीटें हमको उम्मीद लग रही है कि ये सीटें जीत रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया, तो उन सीटों पर हम जो भी लड़ रहा है, चाहे वो भाजपा लड़े हमसे, चाहे सपा लड़े, चाहे बसपा, जो भी लड़ेगा वो हमसे लड़ेगा दूसरे नंबर पर आने के लिए। शिवपाल यादव की बात करी जाए, रामगोपाल यादव की बात करी जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करी जाए, लगातार ये लोग जो हैं वो लगे हुए हैं जनसभाएं करने में, प्रचार प्रसार करने में, कुछ असर दिखने वाला है? देखिए स्वाभाविक है, माननीय शिवपाल यादव जी अगर जा रहे हैं तो कार्यकर्ताओं में जोश आ जाता है, थोड़ा वो जो वोट का पार्टी के वोट का परसेंटेज बढ़ता है। लेकिन पार्टी से टूटे भी बहुत लोग हैं, बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, खुद शिवपाल यादव के वो करीबी रहे हों, चाहे अखिलेश यादव के करीबी रहे हों, साथ साथ बात के जो विधायक हैं वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी में, इतना बिखराव क्यों देख रहे हैं आप समाजवादी पार्टी में? देखिए इस समय नेता लोग, खासतौर से नेताओं
की बात करें तो ये खाली अपना लाभ देख रहे हैं। जनता के बीच में भाषण तो जनता का देते हैं, लेकिन ये अपना लाभ कहाँ मिल जाए कि हम MLA बन जाए, मंत्री बन जाए, सांसद बन जाए, ये दिल्ली में हम पहुंच जाए। मतलब वो ये जनता के बीच में अगर कहते कि नहीं नहीं हम आपकी भला नहीं, हम अपनी भला के लिए लड़ रहे हैं, तब तो जनता इन लोगों को समझा ही देती। अच्छा, हाल फिलहाल की बात करी जाए, राजभर जी अपना लाभ देख रहे हैं कहीं को नहीं देख रहे हैं? देखिए, हम तो जनता का लाभ देखते हैं कि जनता को न्याय मिले, उनको रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिले, हम इसके लिए लड़ते हैं। नहीं तो आप बताइए, हमको लाभ देखना होता, मैं मंत्री पद छोड़ करके हट जाता, एक प्रमाण है ना, चाहे कोई कुछ भी कहे, हम उनको जगा रहे हैं। देखिए, माननीय कांशीराम जी आए और सोई हुई कौम को, नॉन पॉलिटिकल जो था उसमें राजनीतिक चेतना जगाया, जो प्रदेश में नफरत थी उस नफरत को उन्होंने दूर करके, जो शेर, बबर, चीता, हाथी, घोड़ा, ऊंट, खच्चर, भेड़, बकरी एक घाट पे पानी पिलाया कांशीराम जी, तो एक राजनीतिक चेतना जगाया, जो एक दूसरे में जलन की भावना थी, द्वेष की भावना थी, नफरत थी, उसको उन्होंने बड़े पैमाने पर ख़त्म करके एक साथ सबको बैठाया। ये काम कांशीराम जी ने किया, उन्हीं के रास्ते पे चल करके, जिनमें जिनको शिक्षा के प्रति जानकारी नहीं है, जिनको रोजगार के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं है कि स्वास्थ्य कैसे हमको बेहतर मिले, हमको शिक्षा बेहतर कैसे मिले, हम रोजगार कैसे हासिल करें, हम नौकरी हमको कैसे मिले, इन सब चीज़ों को लेकर के उनको, जिनको जानकारी नहीं उनको हम जगा रहे हैं। जब वो जगेंगे तो निश्चित है, जैसे आज आपने देखा भी ना, ये प्रतिफल है कि ये जितने वोटर थे ये कहीं ना कहीं सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस के लिए, लेकिन वो हमारी विचारधारा से, चाहे वो घरेलू बिजली का बिल माफी के सवाल पे हम उनको समझा रहे हैं, चाहे उनको एक शिक्षा, एक समान और अनिवार्य शिक्षा का सवाल हो, चाहे फ्री इलाज की बात हो, जातिवाद जनगणना का सवाल हो, तो जो बातें उनके बीच में समझा रहे हैं कि देखो ये चीज़ें होंगी तो इसमें आपका लाभ होगा, तो जब उनका लाभ होगा तो हमारा भी। अच्छा राजभर जी, इन दिनों एक फिल्म जो है वो बहुत चर्चा में बनी हुई है, द केरल स्टोरी, केरल की फिल्म में लव जिहाद, धर्मांतरण, तमाम ऐसे मुद्दों को दिखाया गया है। बीजेपी शासित राज्यों में टैक्स फ्री किया जा रहा है, यूपी में भी किया गया, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के साथ इसको देखेंगे। समाजवादी पार्टी की बात करी जाए या फिर अन्य सरकारों की बात करी जाए, कांग्रेस की बात करी जाए, बहुत ही ज़्यादा विरोध कर रही है इस पर। देखिए, हम तो ये कहेंगे कि जिस तरह रामायण, महाभारत का धारावाहिक बना करके लोग दिखा रहे हैं, तमाम एंकर, तमाम उसको संस्कृति मिलती है और टैक्स फ्री करके दिखा रहे हैं, जिस तरह केरला की बात आता है, उसी तरह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा जो संविधान लिखा गया है उसको, उसका सीरियल बना क्यों नहीं दिखा? आप मांग करेंगे 100% हम आपके माध्यम से प्रदेश और देश की सरकार और सभी पार्टियों से कहूँगा कि इस संविधान का भी एक सीरियल बने, जनता के बीच में इसको दिखाया जाए, और जब जनता ये समझेगी कि संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने फला फला आर्टिकल में हमारे लिए क्या लिखा है, जो हमको गुमराह किया जाता है, जिस दिन वो जानेगा तो वो अपने हक के लिए लड़ेगा। और जो जिस तरह का आपने केरला पे सवाल किया, ये तो देखिए, जो महंगाई चरम पे है उससे ध्यान भटकाने के लिए, जो बेरोजगारी है उससे ध्यान भटकाने के लिए, जो शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है, गरीब नहीं पढ़ पाएगा, उससे ध्यान भटकाने के लिए, ये मूल बिंदुओं से ध्यान भटकाने के लिए, कभी केरला की बात आती है तो कभी जय श्री राम की बात आती है तो कभी जय बजरंगबली की बात आती है, लेकिन महंगाई या बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर कोई फिल्म बना के नहीं दिखा रहे हैं, कोई सीरियल नहीं बन रहा है कि 400 का सिलेंडर 1200 हो गया, 60 रुपया का पेट्रोल 90 रुपया हो गया, जो 60 रुपये का घर की दाल थी 120 रुपया हो गया, इसका भी सीरियल बना के दिखा दो जनता को। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ